हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो के कैपिटेक्शन। तो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 44 T20 मैच के बारे में। दूसरे मैच होने वाला है गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। दोस्तों, अगर मैच के पूरी अपडेट है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, हमारी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 2 मई को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद इंडिया में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वहीं पहली टीम गुजरात टाइटंस की बात करें तो 5 मैच में से 4 मैच जीत के आ रही, तो वहीं 1 मैच हार के आ रही। वहीं दूसरी टीम अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो लास्ट 5 मैच में से 2 मैच जीत के आ रही है, 3 मैच हार के आ रही है। फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे गुजरात टाइटंस 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पे गुजरात टाइटंस 2 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स 0 मैच जीत के आ रही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि हेड टू हेड 2 के मामले में भी गुजरात टाइटंस 2 मैच से आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैच में क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। तो पहले कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो वहाँ पे गुजरात टाइटंस का 80% देखने को मिल रहा है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स का 30% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात की जाए तो यहाँ पे गुजरात टाइटंस का 172 है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स का 154 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो गुजरात टाइटंस का 207 है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स का 188 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो गुजरात टाइटंस का 133 है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स का 128 है। तो टीम कंपेरिजन के मामले में देखें तो यहाँ पे भी गुजरात टाइटंस आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी, तो मोस्टली सन्नी देखने को मिल सकती है। अगर वहीं सेल्सियस की बात की जाए तो 30.7 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर ह्यूमिडिटी देखें तो 50% रहेगी, वहीं 25% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, तो इस पिच पे अभी तक टोटल 14 मैच प्ले किए गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली। अगर इस पिच का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात की जाए तो इस पिच पे 166-70 के में भी रन जा सकती हैं। वहीं अगर सेकेंड इनिंग में देखें तो सेकेंड इनिंग में भी उतना ही रन जाएगी, 60-65 के लमसम रन जा सकती है। इस पिच पे जो भी टीम अगर टॉस जीत कर बैटिंग करे तो वो मैच भी जीत सकती है, क्योंकि इस टीम पिच पे अगर प्लस पॉइंट देखा जाए तो अधिकतर जो भी टीम अगर टॉस जीती है तो वो मैच भी जीत गई है इस पिच पे। इसके अगर सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन स्कोर लगाए जा सकते हैं। अगर वहीं चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो काफ़ी अच्छे मैच हो रहे हैं इस पिच पे, ये भी मैच काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो पहली टीम गुजरात टाइटंस की बात करें, नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है, स्टार्टअप काफ़ी अच्छा फॉर्म में दिखी। वहीं अगर बीच में देखें तो कुछ मैच फॉर्म में गड़बड़ा गई थी। वहीं अगर लास्ट के मैच में बात करें तो लास्ट मैच में दोबारा कम बैक करके पॉइंट टेबल के नंबर 1 पे स्टेबल है, तो काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखने को मिल रहा है। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो नो डाउट ये भी टीम अच्छी है, बट स्टार्टअप कुछ मैच ठीक ठाक खेली, बट जितने भी अभी तक रिमेनिंग मैच खेल के आ रही है सारा का सारा मैच अपना हार के आ रही है। तो पॉइंट टेबल के हिसाब से बात की जाए तो सबसे लास्ट पे स्टेबल है। तो यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को पूरी कोशिश करनी पड़ेगी यह मैच जीतने के लिए, क्योंकि उसके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम गुजरात टाइटंस खड़ी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप लोग जोर देखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम गुजरात टाइटंस के की प्लेयर की बात करें तो हार्दिक पांड्या, शुभम गिल, राशिद खान, मोहम्मद शमी। वहीं दूसरी टीम दिल्ली कैपिटल्स के की प्लेयर की बात करें तो डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, रॉबिन पॉवेल, एनरिच नॉटजी। तो ये हैं दो टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए गुजरात टाइटंस हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखते हैं। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके, यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।